मित्रों का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। जो बार बार आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? चार ऑप्शन है, दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। इसका सही आंसर है कोलकाता और शहर है जो कर्क रेखा के निकटतम है। आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। इसका सही आंसर है कोलकाता। यस, कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, सभी से। आप जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो इसका सही आंसर है सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों होकर कर्क रेखा गुजरती है? 7, 8, 9, 6। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें मणिपुर हो जाएगा। ये कर्क रेखा के उत्तर में है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? किन दो द्वीपों को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है? चार ऑप्शन है, दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान, लक्षद्वीप निकाय, अंडमान निकोबार एवं पबन तथा मन्नार। सही आंसर है अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल्स। ये 10 डिग्री चैनल है, आप देख सकते हैं मैप में 10 डिग्री चैनल्स। ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये अंडमान है और ये निकोबार है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? चार ऑप्शन है, लखनऊ से जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 अंश है, 82.5 अंश। साढ़े बयासी से लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद के नैनी से या मुजफ्फरनगर। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है भारतीय मानक समय। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, पिछले क्वेश्चन बताए हैं 10 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को निकोबार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका सही आंसर है अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 अंश पूर्वी देशांतर, 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा मिलान बिंदु कहाँ है? इसके चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 80 अंश, आप 82.5 इंच जानते हैं, तो 80 अंश और कर्क रेखा इसमें पूछा है, इंपॉर्टेंट है, 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा मिलान बिंदु कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर सही है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 82.5 अंश गुजरती है मध्य प्रदेश, और ये 80 अंश मध्य प्रदेश में, मिलान बिंदु इसका मध्य प्रदेश में है, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय जो 82.5 अंश है कहाँ से गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखते हैं जो 82.5 अंश है कहाँ कहाँ से गुजरता है। 82.5 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, मतलब कि 5 राज्यों से गुजरता है। तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें नहीं आएगा, तो इसका महाराष्ट्र इसके नहीं है। 82.5 अंश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यह है 82 अंश। सड़बयासी जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी सभी 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर 82 अंश गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री कहाँ है? बीच में कवरती और मिनिका द्वीप के बीच में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। इसका सही आंसर है कवरती और मिनिका द्वीप के बीच में, बी आंसर है। 9 डिग्री चैनल जो है कवरती और मिनिका द्वीप के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 9 डिग्री चैनल्स, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। चार ऑप्शन है, कोको चैनल्स, ग्रेट चैनल्स, 8 डिग्री चैनल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मालदीव भारत के बीच जो है 8 डिग्री चैनल जो है सीमा रेखा बनाता है। सी आंसर इसका सही है, 8 डिग्री चैनल्स। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट्स या पॉइंट्स कलिमर? इसका सही आंसर है सी, इंदिरा पॉइंट्स है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। ये ग्रेट निकोबार में है, ये बड़े निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट का है बड़े निकोबार में है, इसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं, बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य हैं? यानी बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, दूसरा का है असम और राजस्थान, तीसरा का है असम और गुजरात, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो देखें तो मैप के माध्यम से गुजरात जो इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा है और अरुणाचल इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसका सही आंसर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यानी कि डी आंसर इसका सही है, भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है किनमें से? पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से या जम्मू कश्मीर से? देखें तो जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैप के माध्यम से देखें तो हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखें राजस्थान, यह सिक्किम है, जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है तो हो जाएगा आपका राजस्थान, तो राजस्थान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट्स कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, छोटा निकोबार में तमिलनाडु में है, बड़ा निकोबार में या कार निकोबार में है? तो ये बड़ा निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? अवंती, रोहतक, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, चार ऑप्शन हैं। तो इसमें उज्जैन को यानी सी आंसर, उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन क्या है? भारत नेपाल की सीमा से संबंधित है या भारत चीन की सीमा से, भारत पाकिस्तान की सीमा से, भारत बांग्लादेश की सीमा से? तो देखिए मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन की सीमा से संबंधित है, यह भारत और चीन की सीमा का रेखा लाइन होते मैकमोहन लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड लाइन के साथ भारत की सीमा बनाती है? तो डुरंड लाइन देखें, चार ऑप्शन है, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान।
तो ये अफगानिस्तान के साथ तुरंत लाइन बनाती है और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, कहीं कहीं दिया रहता है 108 किलोमीटर भी, इसका सही नाप है 106 ही किलोमीटर है। तो ड्यूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? चार ऑप्शन है, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बिहार की सीमा जो है, सॉरी, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है, क्योंकि झारखंड लगता है छत्तीसगढ़ से। तो महाराष्ट्र लगता है, उड़ीसा लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? चारों चारों में से ये बताना है आपको, कौन सा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक अधिक राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो इसमें देखा जाए तो उसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो 5 राज्यों से होकर सीमा साझा करता है, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे तेलंगाना है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। तो सर्वाधिक जो है कर्नाटक ऐसा राज्य है जो 3 अधिक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, इनसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अधिक राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में जब आंध्र प्रदेश का राज्य प्रदेश एक राज्य के रूप में गठन हुआ, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तब उसकी राजधानी कौन सी थी? जब 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य हुआ है जो भाषा के आधार पर गठन इसका हुआ, तो इसकी राजधानी कर्नूल थी, यानी ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन है, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शनों में से तमिलनाडु जो है इसे छोटा है, आपको पता है उत्तर प्रदेश इनसे बड़ा है। तो इसमें इन चारों में से वो राज्य बताना जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे कम तमिलनाडु का है, तो सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें पढ़कर वो बताना है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं 5वां नहीं है, 7वां है, ये तो गलत हो गया। यानी इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। भारत स्थलमंडलीय कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। हाँ ये सही है, जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, ये सही है। पूछा था समूचा भारत, तीसरा है, समूचा भारत उस कटबंधीय में स्थित है, नहीं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में आता है, तो ये गलत हो गया। तो देखा जाए तो बी सी तो यूं ही हट गया। तो अभी अगर 2 सही है इसका मतलब कि 4 भी सही होगा, 3 गलत है तो ये गलत हो गया, तो सीधे आंसर हो गया 4, 2 4 सही है। 82.5 अंश पूर्वी दशांतर का उपयोग भारतीय मानव समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है, यानी 2 और 4 सही है। असम राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अब आपको बताना है असम राज्य जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7, 8, 5, 4। तो असम राज्य जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। पहले पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम राज्य, इसका सही आंसर है ए। तो असम कितने राज्यों से, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है, ये इसका चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? एग्जाम में तो ऐसे सवाल जो है अक्सर करके गलत हो जाते हैं कि पढ़ते समय ध्यान नहीं देते कि जो नहीं लिखा होता है इसकी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, बी इसका है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड से लगती है, तो ये तो सही है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, ये भी सही है।
मध्य प्रदेश की सीमा पांच राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा पांच राज्यों से लगती है, इसका सही है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगती है, इन पांच राज्यों से लगती है, इसका सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में? नहीं, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है, न कि उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र से ऊंचाई अधिकतम है? ये देखा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है मध्य समुद्र से ऊंचाई में अधिकतम है, समुद्र से किसकी ऊंचाई अधिक है? चार ऑप्शन है, दिल्ली, बंगलोर, जोधपुर, नागपुर। दिल्ली, बंगलोर, जोधपुर, नागपुर। तो इसका इसका सही आंसर है बी, बंगलोर। बंगलोर जो है इन सभी से जिसकी ऊंचाई अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? अब तो आपको देख के बताना है म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा लगती है बिल्कुल। असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, देखें अरुणाचल प्रदेश सीमा म्यांमार से लगती है। मिजोरम, मिजोरम भी लगता है। तो आंध्र प्रदेश नहीं लगता, सॉरी असम नहीं लगता है। इसका सही आंसर बी है। और म्यांमार से सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी लंबाई सबसे अधिक है। पूछा जाता है कि म्यांमार से किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है लंबाई के संदर्भ में, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? लीजिए प्रश्न आ भी गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो साइज बात है कि बताई दी आपको, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है अधिकतम रहती है। इन सभी राज्यों, ये सब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड सभी लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नागालैंड, असम, असम की लगती है। मेघालय, मेघालय की लगती है। मिजोरम, मिजोरम लगती है। नागालैंड की सीमा नहीं लगती। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये जो है बांग्ला नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब जानते हैं बांग्लादेश की सीमा जो है मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से, मेघालय, पश्चिम बंगाल से, इन सबसे सीमा लगती है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए तो भारत सातवें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? अब बताना कि भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है। मेघालय की सीमा, सिक्किम तो बिल्कुल लगता है, सिक्किम लगती है, लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य में कौन है? सिक्किम, बिहार, सिक्किम लगता है और बिहार भी लगता है। सिक्किम, भूटान नहीं, असम, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं। तो इसका सही आंसर ए है। नेपाल के साथ जो है सिक्किम और बिहार के है ये लगता है। तो उसे देखा है नेपाल के साथ जो है सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो राज्य लगते हैं, चार राज्य जो लगते हैं। उसे देखा जाए तो नेपाल जो है भारत के पांच राज्य लगते हैं। पहला तो सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड। पांच राज्य हैं नेपाल से लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो देखिए तो सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है 4,096.7 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद चीन की है 3488 किलोमीटर,
दूसरे नंबर पे पहले तो बांग्लादेश है पहले नंबर पे, और दूसरे के नंबर पे चीन है। इसकी जो है 3488 किलोमीटर है, और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा 3330 किलोमीटर तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तीन पर्वत श्रेणियां पटकाई पर्वत श्रृंखला, खासी पटकाई और अराकान योमा पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो भारत और म्यांमार के बीच जो है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले तीन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है इसमें। खासी, इसमें देखिए खासी पटकाई, पटकाई पहाड़ियाँ और अराकान योमा। तो गारो खासी तो ये तो नहीं है, ये नहीं आती है। म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है वह है बिस्मियु पटकाई नागा अराकान योमा पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसमें सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले तीन पर्वत श्रृंखलाएं, तो इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस उसके हैं, मिसमी पहाड़ी बनाती है, पटकाई पहाड़ी बनाती है, नागा पहाड़ी और अराकान युमा पहाड़ी बनाती हैं। ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 6 समुद्री मील तक। पहला ऑप्शन, और दूसरा का है तट से 3 समुद्री मील तक, तीसरा का है तट से 12 समुद्री मील तक, और चौथा है तट से 24 समुद्री मील तक। तो जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है उसका सही आंसर है तट से 12 समुद्री मील तक। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि जो संलग्न क्षेत्र होता है वो आता है तट से 24 समुद्री मील तक आता है, और ई जेड जोन जो होता है वो 200 नॉटिकल समुद्री मील तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इसमें पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसमें नहीं आता है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ध्रुवों का भ्रमण, महाद्वीपीय प्रवाह, रूपांतरण भंसंश, सागर अंतरिक्ष प्रसरण। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जो है, महाद्वीपीय प्रवाह आता है, रूपांतरण भ्रंशन आता है, सागर अंतरिक्ष प्रसरण आता है, ध्रुवों का भ्रमण ये नहीं आता है। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, ये देखना है कौन सा सुलेमित नहीं है। पाप घनी सीरीज निचली बिंद में, भांडे सीरीज ऊपरी बिंद, खोडलाइट सीरीज धारवाड़, पंचेत सीरीज गोंडवाना। तो इसका सही आंसर है पाप ए आंसर, पाप घनी सीरीज और निचली बिंद ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र नापा जाता है, पूछा गया किस तट से भारत का औसत समुद्र नापा जाता है। समुद्र जो है कहाँ से नापा जाता है, मुंबई से, चेन्नई से, कोचिन से, विशाखापट्टनम से। देखिए इसका सही आंसर है चेन्नई से जो भारत का औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। अब बताना है कौन सा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। रूस, या आपको पता है सबसे बड़ा है, ब्राजील, फ्रांस। इसका सही आंसर है फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, भारत से छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना था, लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप को, दमन द्वीप को, न्यूमेरे द्वीप को। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप को जो है मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार दूसरा नाम क्या है, मरकत द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्वी बिंदु सीमा को किस नाम से जाना जाता है, यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी बिंदु को पता, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी सीमा का नाम क्या है, पूर्वी सीमा बिंदु का नाम है किबूथू। ये सी आंसर इसका, किबूथू। किबूथू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में किबूथू पड़ता है। आपको पता है गौर मोता जो है ये गुजरात में पड़ता है, ये भारत का पश्चिमी है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा काल आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर। और इंदिरा पॉइंट आपको पता है कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, सबसे उत्तर बिंदु है इंदिरा काल है। और किबिथु आपको पता है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पश्चिमी दी गौर मोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर मोता पड़ता है आपका गुजरात में और किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार में और इंदिरा काल है जम्मू कश्मीर में। चार सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में, स्टेट पीसीएस में तो अक्सर क्वेश्चन के ऐसे आते रहते हैं। इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, जैसे आपको पता है गौर मोता की बुध, ये नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के इंदिरा पॉइंट्स और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कौन सा चैनल भारत के इंदिरा पॉइंट्स यानी कार निकोबार, जो सॉरी ग्रेट निकोबार है उसमें इंदिरा पॉइंट्स है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। पाक स्टेट, 10 डिग्री चैनल्स, ग्रेट चैनल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, ग्रेट चैनल भारत के इंदिरा पॉइंट्स और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। अब देखें यहाँ पे कार निकोबार है, सॉरी ग्रेट निकोबार है, और ये सुमात्रा है भारत का। तो ये है आपका, ये चैनल आपका जो है ग्रेट चैनल है, ये ग्रेट चैनल है जो भारत के इंदिरा पॉइंट्स यानी ग्रेट निकोबार्स में इंदिरा पॉइंट्स है और सुमात्रा को अलग करता है इंडोनेशिया के सुमात्रा पे। यहीं पे जो है मलक्का स्टेट भी है, स्टेट ऑफ मलक्का में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। चार ऑप्शन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात की रेखा जो है तटीय सीमा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गुजरात की सीमा जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट्स है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम भी हैं। केवल, पहला ऑप्शन है केवल पिग्मेलियन पॉइंट्स, केवल पार्सन पॉइंट्स, पिग्मेलियंस पॉइंट्स और पार्सन पॉइंट दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट्स को जो है, इंदिरा पॉइंट्स को इसको दो नामों से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट्स और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा माना जाता है। कश्मीर घाटी को, प्रायद्वीपीय पठार को, तटीय मैदान को, या गंगा के मैदान को। तो भारत का हृदय स्थल गंगा के मैदान को कहा जाता है, गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, डलहौजी। ऑप्शन है मैकाले, कैनिंग्स, एनविले। तो भारत का प्रथम मानचित्र जो है एनविले ने बनाया था, डी ऑप्शन, एनविले जो था भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय आधार रेखा से कितनी समुद्री मील भारत का अनन्य आर्थिक जोन
यानी EEZ है। आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 200 समुद्री मील तक भारत का EEZ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 200 समुद्री मील तक, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल्स, 200 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कच्छ के रण में, कहाँ पूछा है, सीमा रेखा कच्छ के रण में कितने अंश उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन है, 27 अंश उत्तरी अक्षांश, 26 अंश उत्तरी अक्षांश, 25 अंश उत्तरी अक्षांश, 24 अंश उत्तरी अक्षांश। तो सही आंसर है 24 अंश उत्तरी अक्षांश जो है, भारत में, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कच्छ केरन में है। ये देखें कच्छ केरन में 24 अंश गुजरती है, कच्छ केरन, तो 24 अंश, ये 24 अंश ही है गुजरता है, ये निर्धारण है भारत पाकिस्तान के बीच में। कच्छ केरन को जो है पाकिस्तान एक झील कहता है, जबकि भारत उसको झील नहीं कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है, यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा रेखा, कर्क रेखा, 21 अंश रेखा या शून्य रेखा। तो उसका सही आंसर है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा की उपमा जो है शून्य अंश दिया गया है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य अंश भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये त्रिपुरा आप जानते हैं, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।